आपने टाइम एंड वर्क के चैप्टर में ये फॉर्मूला कई बार पढ़ा होगा। अब ये फॉर्मूला कौन सी क्वेश्चन में लगता है और ये कैसे आया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे समय नहीं दिया गया है तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ कि वो एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम इस तरह से मानते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति एक दिन के अंदर एक घंटे में, यहाँ पे घंटे को समय दिया गया है, यहाँ पे प्रतिदिन 6 घंटे, तो यहाँ पे 1 घंटा ले रहा हूँ मैं, 1 घंटे के अंदर वो एक पेड़ लगाते हैं, ये हमने मान लिया है। तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन में क्या क्या होगा। यहाँ पे 1 घंटे के लिए लिया, यहाँ पे दिया गया 6 घंटे, तो 6 घंटे यहाँ पे होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 6 घंटे होंगे तो यहाँ पे भी 6 होने चाहिए क्योंकि 6 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगी एक व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे में 6 पेड़ लगा सकता है। अब यहाँ पे दिए गए हैं 10 व्यक्ति, तो यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य कर 6 × 10 पेड़ लगाते हैं। अब इसके आगे इसमें दिन भी दिए गए हैं, दिन है 18, तो यहाँ पे एक दिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 18 दिन होना चाहिए, तो यहाँ पे 18 से गुणा करके मैं 18 दिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 व्यक्ति 18 दिन और 6 घंटे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 × 10 × 18 पेड़, यानी कि इस कंडीशन में कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमने इतने पेड़ लगा दिए, यानी कि ये हमारा टोटल कार्य हो गया, हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या है टोटल कार्य निकालने के लिए, जितने व्यक्ति थे उनको गुणा किया, जितना समय दिया गया था उन समय को गुणा कर दिया, और जितने दिन दिए गए थे उन सबको गुणा किया। यहाँ पे हमने इन सबको गुणा करके ये लिखा है और इसलिए सूत्र में भी इन सबको गुणा किया हुआ है। अब ये इस कंडीशन के बराबर होते हैं, ये कैसे होते हैं ये अब हम देखते हैं। दूसरी स्थिति दी गई है जिसके अंदर है 12 दिन और 15 व्यक्ति, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे इसी कंडीशन को हमें इसमें बदलना है। अब तो यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए थे, यहाँ पे होने चाहिए थे 15 व्यक्ति, तो मैंने यहाँ पे एक के स्थान पे लिख दिया 15 व्यक्ति, एक के स्थान पे एक दिन आएगा और T1 ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितना काम करेंगे। अब एक व्यक्ति 15 पेड़ एक पेड़ लगाता था 1 घंटे के अंदर एक दिन में, तो यहाँ पे 15 व्यक्ति हो जाएंगे, तो यहाँ पे 15 पेड़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक को 15 किया है, यानी कि 15 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 15 से गुणा किया है, तो यहाँ पे हो गए 15 पेड़। लेकिन यहाँ पे 15 व्यक्तियों के साथ दिन भी दिए गए हैं 12 दिन, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था एक के स्थान पे, तो यहाँ पे मुझे 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 15 व्यक्ति 12 दिन और 1 घंटे में वो लगाएंगे 15 × 12 पेड़। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी दिया गया है दिन, वो घंटे दिए गए हैं कि कितने घंटे काम करते हैं, तो हमने एक्स माना था, तो यहाँ पे टी के यहाँ पे एक के स्थान पे एक्स होना चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ एक्स से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएंगे 15 व्यक्ति 12 दिन और एक्स समय एक्स घंटे हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 15 × 12 × एक्स पेड़ लगा सकते हैं। अब देखो पहले इतने पेड़ लगा रहे थे और बाद में इतने पेड़ लगा रहे हैं अब, लेकिन पेड़ तो बराबर होने चाहिए क्योंकि कार्य तो बराबर ही करेंगे वो, तो ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों स्थितियों में बराबर पेड़ लगने चाहिए, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 15 × 12, यहां से लिख रहा हूं मैं 15 × 12 × एक्स, ये बराबर होने चाहिए पूरे कार्य के टोटल कार्य के, तो ये हो जाएंगे 6 × 10 × 18 के बराबर होने चाहिए। तो ये जो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है इसी को सूत्र बनाकर लिख दिया गया है कि जो भी दिया गया है व्यक्ति दिन और समय दिया गया है उनको गुणा करो और बराबर कर दो दूसरी कंडीशन में, जो भी दिया गया है दिन व्यक्ति और समय जो भी दिया गया है उन सबको गुणा करके एक दूसरे के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएंगे एक्स और यहाँ पे ये सब आएंगे 6 × 10 × 18, लेकिन यहाँ पे x के साथ में ये सब गुणा में थे, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे भाग में,
तो यहाँ पे हो जाएंगे 15 इंटू 12। अब इसको हम काट सकते हैं, इस 6 को काट सकते हैं इस 12 से, दो बार कटेगा, और इस 2 को काट सकते हैं इस 10 से, तो ये कटेगा 5 बार। अब फिर ये 5 और ये 15 को काट सकते हैं, तो 5 से कटेगा तो ये कटेगा 1 बार, और ये 5 से कटेगा तो ये कटेगा 3 बार। तो यहाँ पे हो गए 18 बटे हुए नीचे में रहा है 3, तो 18 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा 6, यानी कि वो 6 घंटे कार्य करेंगे तो कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम इस सूत्र से करेंगे तो भी आंसर 6 ही आएंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्तियों की जगह पे लिख दिया मैंने 10, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया गया है, और यहाँ पे दिन दिया गया है 12, तो यहाँ पे दिन के स्थान पे मैं लिख दूंगा 12 इंटू, यहाँ पे टी का मतलब समय है, तो यहाँ पे टी दिया गया है, यहाँ पे 6 घंटे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। ये बराबर होना चाहिए दूसरी वाली जो स्थिति दी गई है, यहाँ पे दिन दिए गए हैं 12 और व्यक्ति दिए गए हैं 15, तो व्यक्तियों के स्थान पे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया M2 के स्थान पे 15, और यहाँ पे D2 के स्थान पे दिन दिए गए हैं यहाँ पे 12, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, और यहाँ पे प्रतिदिन वो कितना कार्य करते थे, तो हमने x मान रखा था, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x हमने माना है, तो यहाँ पे हमने x लिख लिया, ये x है। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो ये सब इसके गुणा में है, तो यहाँ पे गुणा में तो इधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 इंटू 12 इंटू 6, और यहाँ पे बटवे में आ जाएंगे 15 इंटू 12, ये हो गया x का मान। तो अब यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, इस 6 को काट सकता हूँ मैं इस 12 से, दो बार कटेगा, और ये 2 को मैं काट सकता हूँ इस 10 से, अब इस क्वेश्चन को हम इस सूत्र से करेंगे तो भी आंसर 6 ही आएगा। अब वो देखो कैसे, यहाँ पे M1, D1, D1 और T1, ये है पहली स्थिति, 6, 10, 6 और 18, ये पहली स्थिति की संख्या है, और दूसरी स्थिति में दिया गया है 12 दिन, 15 व्यक्ति, और कितने के स्थान पे यहाँ पे x मान लेंगे हम, तो x घंटे प्रतिदिन, तो ये हो जाएगी दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति के लिए पहला डेटा लिखते हैं, M के स्थान पे व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या है 10, यहाँ पे 10 दी गई है व्यक्तियों की संख्या, और D के स्थान पे दिनों की संख्या, यहाँ पे दिनों की संख्या दी गई है 18, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 18 इंटू, यहाँ पे समय यहाँ पे दिया गया है 6 घंटे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6, ये बराबर होना चाहिए M2 यानी कि दिनों व्यक्तियों की संख्या, दूसरी कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या है 15, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 15 इंटू दिनों की संख्या, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में दिनों की संख्या है 12, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 12 इंटू समय दूसरी स्थिति के अंदर यहाँ पे हमने x मान रखा है, तो दूसरी स्थिति में हमने समय लिख लिया x, तो यहाँ से हमें x निकालना था, तो यहाँ पे ये संख्या है, और ये यहाँ पे ये गुणा में है, तो ये गुणा में तो इधर जाएगी, तो ये भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 इंटू 18 इंटू 6, और ये बटवे में आ जाएगी यहाँ से 15 इंटू 12, ये हो जाएंगे x के बराबर, क्योंकि यहाँ पे केवल x रहा है, बाकी ये यहाँ पे आ चुकी है बटे हुए में, तो यहाँ पे मैं काट सकता हूँ, ये 6 को काट सकता हूँ मैं 12 से, दो बार कटेगा, इस 2 को मैं 10 से काट सकता हूँ, ये कटेगा 5 बार, और ये 5 को और 15 को मैं काटूंगा 5 के पहाड़े से, तो ये कटेगा 1 बार, और ये कटेगा 3 बार, तो यहाँ पे 18 बचे हैं, यहाँ पे 3, तो ऊपर तो रहा 18 और नीचे है 3, ये है x के बराबर, यानी कि 18 के अंदर 3 का भाग देंगे तो जाएगा 6 बार, तो x का मान हमारे यहाँ पे आ गया 6। तो इस कंडीशन, इस स्थिति से, इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो भी आंसर 6 आया, और हमने बेसिक कंसेप्ट से किया था तो भी आंसर सेम आया था। तो हमने ये फॉर्मूला कब यूज में लेना है, जब हमें इस तरह से कंडीशन दी गई हो, कुछ व्यक्ति होंगे और वो काम करेंगे किसी निश्चित समय के लिए कुछ दिनों के अंदर, और ऐसी कंडीशन फिर दूसरी बार दी गई होगी, तब हम इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।